सो व्हाट्स अप गाइस, स्टार मेकर का नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। स्टार मेकर के नए अपडेट में ये ग्रो अप से रिलेटेड अपडेट है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि तो स्टार मेकर कभी कभी ऐसा करता है कि कुछ ऐसे अपडेट देता है जो कि दिल खुश कर देते हैं। तो ये भी अपडेट दिल खुश करने वाला ही है, क्योंकि ये अपडेट ग्रो अप से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी ग्रो अप से जुड़ा हुआ है, जिसकी आपको स्टार मेकर पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एज अ सिंगिंग आपको ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो अपडेट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों, स्टार मेकर से रिलेटेड और भी सिंगिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप जाके हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो जो अपडेट है दोस्तों, जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लस वाला, यानी कि अब स्टार मेकर ने यूट्यूब को मेंशन कर दिया है। यूट्यूब के साथ साथ आपके और भी प्लेटफॉर्म मेंशन कर दिया है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अपने तीन प्लेटफॉर्म लिंक कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या फिर आपका फेसबुक या ट्विटर अकाउंट हो, आप यहाँ पे तीन अकाउंट अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ऐड कर देता हूँ यहाँ पर www.youtube.in/ मैं डाल देता हूँ। आप अपना, अब देखिए यहाँ पे आपके ग्रोअप के लिए बहुत ही, मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में कहता था और अब भी कहता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल ज़रूर क्रिएट कर लें, और जितने भी आपके स्टार मेकर सॉन्ग हैं उन सब सॉन्ग को आप YouTube चैनल पे ज़रूर डालें। कॉपीराइट की जहाँ तक बात है तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है, ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक जब मिलती है, जब आप किसी का नाम यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ इलीगल होती है, यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती है, तब आपको स्ट्राइक मिलती है। अदरवाइज सॉन्ग में, म्यूज़िक में क्लेम ही मिलता है। मैंने भी म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है, आप चैनल पे मेरे चेक कर सकते हैं, उस पर क्लेम है। जिस पे क्लेम, यानी कि मैं उस गाने से जितना भी पैसा अर्न करूँगा वो सारा का सारा उस म्यूज़िक के ऑनर के पास चला जाएगा, यानी कि मेरा जो पैसा होगा वो उसके पास, जिसने म्यूज़िक बनाया है, जिसकी मैंने म्यूज़िक यूज़ की है, उसके पास चला जाएगा। तो ये है कॉपीराइट क्लेम का, स्ट्राइक नहीं आती है, आप बेफिक्र रहें। आप अभी से अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और स्टार मेकर पे यहाँ पे लिंक ज़रूर करें, और उसके बाद अपनी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपकी जो भी प्रोफाइल बंदा चेक करेगा तो यहाँ पे ज़रूर टैप करेगा। टैप करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि हाँ, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहाँ पर आपकी वो सॉन्ग सुन सकता है। और जाहिर सी बात है कि आप जब यूट्यूब पर डालेंगे तो प्रोफेशनल तरीके से डालेंगे, अच्छे से रिकॉर्ड करके डालेंगे। धीरे धीरे मैं स्टार मेकर्स और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा कि YouTube पे ग्रो अप कैसे पाएं और अच्छा गाना कैसे रिकॉर्ड करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एज अ सिंगिंग। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से अपना चैनल लिंक कर सकते हैं। तो आप जब आप यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे टैग करना होगा, जब आप टैग कर देंगे तो आपका चैनल यहाँ पे लिंक हो जाएगा, तो आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ग्रो अप पाना है। तो फिलहाल आप अभी से अपना चैनल क्रिएट कर लीजिए, जैसा कि मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, आप क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे ज़रूर लिंक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ समझ आई होगी। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अगर आपको कोई सवाल है, कोई हेल्प है, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो आऊँगा अगली न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।